हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक है। तो जी, आज हम लोग जा रहे हैं किंगडम टावर और वहाँ हम स्काई ब्रिज का एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मैं तो फुल एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय कीजिएगा। इसके लिए आप लोगों को मेरे साथ वीडियो के एंड तक बना रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और मेरे साथ एंजॉय कीजिएगा। ये रहा किंगडम टावर और यहाँ मैं जो पॉइंट दिखा रही हूँ ना, वो रहा स्काई ब्रिज। हम लोग आज वही जाने वाले हैं और ये 99th फ्लोर पे है। वहाँ से रियाद माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़र आता है। तो चलिए चलते हैं, आप लोग भी मेरे साथ चलिएगा और मेरे साथ एंजॉय कीजिएगा। तो जी, हम लोग पहुंच गए हैं किंगडम टावर और हम लोग यहाँ पार्किंग एरिया में अपनी कार पार्क करेंगे, उसके बाद हम लोग चलते हैं। कार पार्क करके अंदर आते ही हमें बहुत ही प्यारा सा मॉल नज़र आएगा और मॉल का जो व्यू है मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। फ़िलहाल हमें जाना होगा स्काई ब्रिज की तरफ। वो जो है फर्स्ट फ्लोर में है, मॉल के फर्स्ट फ्लोर में स्काई ब्रिज का रास्ता है। तो पहले हम लोग वहाँ जाते हैं। तो यहाँ देखिए, हम लोग पहुँच गए हैं स्काई ब्रिज की तरफ। ये टिकट काउंटर एरिया है, यहाँ से टिकट लेके अंदर जाना होता है। उस दिन टिकट के लिए लंबी लाइन थी क्योंकि उस दिन वीकेंड था तो लोग बहुत ज़्यादा आ गए थे। ऑलरेडी थोड़े लोग अंदर भी वेट कर रहे थे वेटिंग एरिया में लिफ्ट के लिए, और यहाँ भी इतनी लंबी लाइन थी। हमें यहाँ एक हाफ एन आवर तक वेट करना पड़ा और उसके बाद जाके हमारा नंबर आया। टिकट जो है पर पर्सन 69 रियाल है। इजान को जो है टिकट नहीं थी, छोटा था वो। और टिकट लेने के बाद हमें वेटिंग एरिया में थोड़ी देर वेट करना पड़ा लिफ्ट में जाने के लिए क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे लोग थे, उनके बाद हमारा नंबर था। दो लिफ्ट हमें चेंज करनी होती है। फर्स्ट लिफ्ट जो है 77 फ्लोर तक लेके जाएगी और दूसरी लिफ्ट जो है 77 से 99 फ्लोर तक लेके जाएगी। फाइनली हम लोग 99th फ्लोर में जाने वाले हैं और मैं आपको किंगडम टावर का हाइट भी बतला दूं। इसका हाइट जो है स्काई ब्रिज तक 300 मीटर तक इसका हाइट है। और टाइमिंग्स जो है नॉर्मल डेज में दोपहर के 12 बजे से रात के 11 बजे तक और वीकेंड के टाइम शाम के 4 बजे से रात के 11 बजे तक। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है। मैं ऐसा सोच रही थी, मैं जब हम लोग प्लान किए थे जाने के लिए स्काई ब्रिज, तो मैं बस यही दिल में दुआ कर रही थी कि
मुझे तीनों देखना है, मतलब जब थोड़ा उजाला रहता है, डे डे का जो उजाला उजाला रहता है वो भी देखना है, और शाम के टाइम थोड़ी थोड़ी सी जब लाइट चलती है मगरिब के बाद वो भी देखना है, और फुल लाइट जब रात के टाइम पे रहती है वो भी देखना है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मुझे वैसा ही व्यू देखने को मिला। और तब हम लोग यहाँ पहुँचे थे तो उस टाइम पे 4:55 कुछ हो रहे थे मगरिब की अजान होने के लिए, अभी 10 मिनट बाकी था। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे डे का जो व्यू है वो भी देखने को मिल गया। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, इतना प्यारा व्यू मुझे देखने को मिला। और मैं अपने व्यूवर्स के लिए यहाँ जल्दी जल्दी शूट कर रही थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो है लाइटिंग स्टार्ट होने वाली थी, मगरिब होने वाली थी, तो उसका व्यू भी मुझे लेना था। तो पहले जो है ये डे का व्यू मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। हम लोगों ने यहाँ दो फ़ोटोज़ खिंचवाई थी, एक जो है डे का व्यू में एक फ़ोटो खिंचवाई थी, और दूसरा जो है रात के टाइम जब सारे लाइट ऑन हो गए थे यहाँ, उस टाइम पे हम लोगों ने एक दूसरी फ़ोटो खिंचवाई थी, फैमिली फ़ोटो। एक फ़ोटो का यानी एक कॉपी का वो लोग 20 रियाल चार्ज करते हैं। तो ये देखिए मगरिब के बाद जो है लाइटिंग स्टार्ट हो रही थी, तो मैं उस टाइम शूट की हूँ अपने व्यूवर्स के लिए। ये भी नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में, माशाल्लाह कितना प्यारा नज़ारा है। देखिए अभी मैं जब वॉइस ओवर दे रही थी ना, उस टाइम पे भी मैं इतनी एक्साइटमेंट से इस वीडियो को एडिट कर रही थी, क्योंकि ना मुझे वो फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा, शायद मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो उस वजह से मेरे में इतनी एक्साइटमेंट थी, पता नहीं जो भी था, लेकिन मैं बहुत खुश थी वहाँ पे जाके। और फर्स्ट टाइम इतना ऊपर से जाके इतना प्यारा व्यू देखने को मुझे मिल रहा था, तो ऑब्वियसली हर किसी को खुशी होती है। मैं तो पूरी बच्ची बन गई थी, जब स्कूल स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स जिस तरह बिहेव करते हैं मैं उस तरह से बिहेव करने लग गई। हर जगह से वही फ़ोटोज़ खिंचवा रही थी, और बच्चे के हम लोग फैमिली फ़ोटोज़ बस ऐसे ही हम लोग वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक किए, और हम लोग मैक्सिमम ना हम लोग वहाँ पे 3 घंटे टाइम स्पेंड किए थे, और बहुत सारे लोग जो इतने हम जो हमारे साथ आए थे वो चले गए थे घंटे या 1.5 घंटे के बाद, लेकिन हम लोग ही बहुत ही ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड किए। मुझे तो वहाँ से वापस आने को दिल ही नहीं कर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे मुझे, इजान तक वहाँ पे एंजॉय कर रहा था। और मैं हर जगह से हम लोगों ने फोटोज क्लिक करवाई है, बस इतना ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो शायद मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा एक्साइटेड होके ये बोल रही हूँ, ज़्यादा आप लोगों को थोड़ा ओवर लगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा जो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर की हूँ। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी के अभी लाइक दीजिएगा, और आगे का वीडियो उसके बाद देखिएगा।
फाइनली हम लोग वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे आ गए 3 घंटों के बाद। तो हम लोग इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, इतना ज़्यादा थक गए थे कि हमारे पास एनर्जी ही नहीं थी कि हम पूरा मॉल घूमे नीचे आके। लेकिन मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताई थी ना कि मैं पूरा मॉल, थोड़ा मॉल तो आप लोगों को वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। इस वजह से मैं थोड़ा सा, हम लोगों ने मॉल का चक्कर लगा लिया। बस फर्स्ट फ्लोर का ही हम लोग देखे मॉल। ये बहुत ही बड़ा मॉल है और बहुत ही प्यारा मॉल है, और यहाँ जो भी चीज़ें हैं ना बहुत ही एक्सपेंसिव है। ये बहुत ही इंटरनेशनल ब्रांड्स है यहाँ पे, तो हम लोगों की बस की बात नहीं कि उतना एक्सपेंसिव आइटम्स हम लोग यहाँ से परचेस करें। बस देखने और थोड़ा सा घूमने के लिए ही अच्छा है हम लोगों के लिए। तो यही मैं आप लोगों को थोड़ा सा व्यू यहाँ का दिखा रही हूँ, तो आप लोग देख के एंजॉय कीजिएगा। तो जी, मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो व्यूवर्स मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी है, आप लोगों से एक मैं रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा। बहुत ही कम लाइक्स देते हैं आप लोग। मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल लाइफ शेयर करती हूँ, प्यारे प्यारे वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो आप लोग भी मुझे एक प्यारा प्यारा सा लाइक दे दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी और मुझे लगेगा कि हाँ, मेरी मेहनत जो है अच्छी है। और मेरे वीडियोस को अपनी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।